गाइज आज स्मैकडाउन में फाइनली ब्रे वाइट का अपोनेंट रिवील हो चुका है, लेकिन WWE ने ब्रे वाइट के पहले अपोनेंट के लिए ये किस सुपरस्टार को चुन लिया है? क्या अभी ब्रे वाइट का इससे फाइट करना सही होगा? इसी के साथ गाइज आज स्मैकडाउन में रोमन रेंज और उनकी ब्लड लाइन ने ड्रू मैकेंटायर और सेमस के ब्रॉलिंग ब्रूट्स को दिखा दिया कि ब्लड लाइन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और गाइज WWE लेजेंड टेक्सस रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपने रिटर्न को टीज करते हुए WWE से डिमांड कर दिए कि उन्हें WWE में और भी मैचेस करना है। इसी के साथ गाइस सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम में ब्लड लाइन का ओपोनेंट कौन होने वाला है ये भी लीक हो चुका है। तो गाइस वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होने वाली है, तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। तो फिर चलिए गाइस आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आज की स्मैकडाउन की स्टार्टिंग काफी धमाकेदार होती है। स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में ही हमें उसोस और न्यू डे के बीच एक काफी कमाल का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और ये मैच अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हो रही थी। मैच में न्यू डे ने ये पूरी कोशिश की कि आज वो उसोस को हरा के उनके टाइटल रेंज को खत्म कर देंगे, और न्यू डे की परफॉर्मेंस से लग भी रहा था कि आज तो भाई वे उसोस का काम तमाम करके ही रहेंगे। लेकिन गाइस इतना कुछ करने के बाद भी न्यू डे उसोस को हरा नहीं पाए, और आज उसोस ने एक बार फिर से अपने चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। और गाइस इसी के साथ हमारे उसोस भाई लोग बन चुके हैं WWE के इतिहास के लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE टैग टीम चैंपियन। इसके बाद गाइस बैक स्टेज काफी इमोशनल सीन आता है जब उसोस न्यू डे को हरा के अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के पास पहुंचते हैं। गाइस ये सीन देख के तो दिल ही पिघल गए। भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने कितने टाइम बाद जी उसो को इतने प्यार से गले लगाया, सच में गाइस ये देख के काफी अच्छा लगा। तो गाइस अब स्मैकडाउन के मेन इवेंट का टाइम आ चुका है, जानते हैं ब्लड लाइन ने मेन इवेंट में क्या धमाका किया है। गाइस ट्राइबल चीफ और उनकी पूरी सेना रिंग में पहुंच जाती है। बेसिकली आज के मेन इवेंट में रोमन रेंस उसोस का न्यू डे से अपने चैंपियनशिप को रिटेन करने और उनके लॉन्गेस्ट टैग टीम चैंपियन बनने की बधाई देने WWE यूनिवर्स के सामने आए थे। अब गाइस रोमन रेंस उसोस की तारीफ करना शुरू करे या फिर वो उसोस के बारे में कुछ बोलना शुरू करे, उससे पहले गाइस ये क्या देखने को मिलता है, ब्रॉलिंग ब्रूट्स और उनके लीडर सेमस ब्लड लाइन को इंटरप्ट करते हैं। अब गाइस सेमस ब्लड लाइन के बारे में कुछ बोले उससे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने सेमस की पूरी तरह से खींच डाली और उनका मजाक उड़ा दिया। लेकिन आखिर सेमस ने ऐसा क्या किया? तो गाइस सेमस ब्लड लाइन के बारे में कुछ बोल रहे थे लेकिन उनकी माइक ही काम नहीं कर रही थी, इसलिए रोमन सेमस पे हंस पड़े और कहे कि तेरी तो माइक ही काम नहीं कर रही है, अब तू कैसे ब्लड लाइन के बारे में कुछ बोलेगा। तो बदले में सेमस उस बेकार माइक को फेंकते हुए कहते हैं कि जब तू मेरे सामने है तो मैं माइक पे क्यों बोलूं, रिंग में तेरे फेस टू फेस आके बातों को समझाते हैं। इसके बाद गाइस सेमस और उनके चेले ब्लड लाइन पे अटैक कर देते हैं। सेमस और उनके चेले ब्लड लाइन का क्या ही उखाड़ पाते। रोमन रेंस उसोस और सोलो सिकुआ ने मिलके ब्रॉलिंग ब्रूट्स को पूरी तरह से तोड़ फोड़ के रख दिया। इसके बाद गाइस ब्रॉलिंग ब्रूट्स की मदद करने के लिए द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर आ जाते हैं। ड्रू मैकेंटायर आते के साथ सोलो सिकुआ के फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं और यहाँ ड्रू सोलो पे पंचेस की बारिश करना शुरू कर देते हैं। सोलो सिकुआ की हेल्प करने के लिए चीफ रोमन रेंस वहाँ आ जाते हैं। अब रोमन ड्रू मैकेंटायर पे पंचेस की बारिश करने लगते हैं, तो ड्रू मैकेंटायर को बचाने के लिए पीछे से सेमस रोमन रेंस को खींच उन पे अटैक करने लगते हैं। गाइस स्मैकडाउन के पूरे रिंग में अफरा तफरी मच चुकी थी, यहाँ कौन किसको मार रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाइस पूरी मारधार चल रही होती है और यही स्मैकडाउन एंड हो जाता है। तो गाइस आज के शो से ये तो कंफर्म हो गया कि सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम के मेन इवेंट में जहाँ एक तरफ पूरी ब्लड लाइन होगी वहीं दूसरी तरफ ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकेंटायर होंगे। और हाँ गाइस ब्लड लाइन में सैमी ज़ेन भी होने वाले हैं। और गाइस पॉसिबल रूमर ये है कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकेंटायर को केविन ओवन ज्वाइन करेंगे। तो सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम में जहाँ एक तरफ पूरी ब्लड लाइन की सेना होगी वहीं दूसरी तरफ ब्रॉलिंग ब्रूट्स ड्रू मैकेंटायर और केविन ओवन होंगे। गाइस सच में इस साल का सर्वाइवल सीरीज काफी कमाल का होने वाला है, और यहाँ ये होने वाला वॉर गेम मैच इसकी तो मैं क्या ही बात करूँ। तो गाइस आज स्मैकडाउन में ब्रे वाइट और एले नाइट फेस टू फेस देखने को मिले थे, और गाइस अभी एक बड़ा शॉकिंग या कह लो काफी घटिया न्यूज सामने आ रही है। WWE ब्रे वाइट और एले नाइट का फ्यूड स्टार्ट करने को सोच रहे हैं। रेसलिंग वर्ल्ड सीसी ने यह बताया है कि WWE ब्रे वाइट वर्सेस एले नाइट कराने की सोच रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ब्रे वाइट का पहला अपोनेंट एले नाइट होने वाले हैं। गाइस क्या ही ये घटिया प्लान है, कहां ब्रे वाइट और कहां एले नाइट। ब्रे वाइट अभी अभी WWE में आए हैं और अभी WWE में इनका स्टॉक इतना ज्यादा हाई है कि जो भी सुपरस्टार इनसे फ्यूड करेगा वो WWE का मेन
हाईलाइट बन जाएगा। तो गाइस जिस सुपरस्टार ने अभी WWE में कुछ भी नहीं किया है उसे लोग अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। WWE में फिजूल का ब्रे वाइट का उनसे फ्यूड करवा रहे हैं। गाइस कहीं WWE के ऐसे करने से गाइस अगर ब्रे वाइट की हाइप्स डाउन होती है तो गाइस सच में ब्रे वाइट के फैंस का दिल टूटने वाला है। यार ब्रे वाइट कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये एक मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार है। कहां WWE को ब्रे वाइट का फ्यूड रोमन रेंस या और कोई बड़े सुपरस्टारों से करने की बजाय LA नाइट से करवाने जा रहे हैं। गाइस मैं तो बस यही होप करता हूँ कि WWE ये LA नाइट वगैरह को छोड़े और ब्रे वाइट को कोई बड़े फ्यूड में डाले जिससे फैंस को देखने में सच में मजा आए। तो गाइस WWE लेजेंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने इस साल रेसलमेनिया में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अब दोबारा से WWE में वापस आना चाहते हैं। और गाइस सिर्फ वापस ही नहीं बल्कि उन्होंने WWE से कहा है कि वे WWE में और भी अधिक मैचेस करना चाहते हैं। और गाइस वो मैच में कुछ भी करने को तैयार है और इसलिए उन्होंने कहा है ओपन टू डूइंग एनीथिंग। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। गाइस अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर चलिए गाइस मिलते किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।